ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट, इसमें अलग अलग ट्यूनिंग फोर्क यूज की जाती है, जैसे 128, 256, 512। वैसे आइडियल ट्यूनिंग फोर्क क्या है? 512 हर्ट्ज जो है वो आइडियल ट्यूनिंग फोर्क होती है। इन ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट में हम हेयरिंग असेसमेंट करेंगे। और सबसे पहले हमें पढ़ना है रेनी स्ट्रेस। रेनी स्ट्रेस में करते क्या है? रेनी स्ट्रेस में जो होता है, ट्यूनिंग फोक को अपन वाइब्रेट करते हैं और कहाँ रखते हैं? पेशेंट के मेस्टोइड पे रख देते हैं। और जब पेशेंट को सुनाई बंद हो जाता है तो वो पेशेंट बता देता है। उसके बाद वो ही ट्यूनिंग फोक को अपन पिन्ना के 2 सेंटीमीटर दूर रख देते हैं। पहली कंडीशन तो ये है, या तो इस तरीके से किया जा सकता है, या फिर एक और तरीका यह है कि एक बार हम ट्यूनिंग फोक को स्ट्राइक करते हैं और पेशेंट के मेस्टोइड पे रख देते हैं, और दूसरी बार फिर स्ट्राइक करते हैं और पेशेंट के पिन्ना के 2 सेंटीमीटर दूर रख देते हैं। और दोनों ही में कंपैरिजन करने का बोलते हैं कि किस में उसे ज्यादा सुनाई दे रहा है। तो या तो अगर इस पर्सन को ज्यादा सुनाई दे रहा है, मतलब इसका एयर कंडक्शन ज्यादा है बोन कंडक्शन से, और यदि इस तरीके से में ज्यादा सुनाई दे रहा है तो मतलब इसका बोन कंडक्शन ज्यादा है एयर कंडक्शन से। तो जो नॉर्मल पर्सन होता है उसमें एयर कंडक्शन ज्यादा होता है सेंसरी, या तो नॉर्मल पर्सन में एयर कंडक्शन ज्यादा होता है या फिर सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में। और बोन कंडक्शन किस केस में ज्यादा होता है, मतलब एयर कंडक्शन खराब है किस केस में? कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में। आगे है बेवर टेस्ट। बेवर टेस्ट में क्या होता है? बेवर टेस्ट में हम ट्यूनिंग फोक को स्ट्राइक करते हैं और सेंटर पे प्लेस करते हैं, या तो अपन ग्लेविला पे रख सकते हैं या फिर फोरहेड के सेंटर पे, या फिर जो टीथ है उसके सेंटर पे रखते हैं। और जो नॉर्मल पर्सन होता है उसको दोनों कानों में बराबर सुनाई देता है, मतलब वो जो साउंड है वो किधर भी लेटरलाइज नहीं होता है, दोनों कानों में बराबर सुनाई देता है। लेकिन यदि पर्सन को कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, मतलब इस कान की डिसीज से पर्सन आया है, मतलब इस कान की कंप्लेन है, जैसे कुछ भी हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, इस कंप्लेन से ही आया है, मतलब ये डिसीज्ड कान में, यदि इसी कान में ही वो लेटरलाइज हो रहा है, मतलब डिसीज्ड कान में वो लेटरलाइज हो रहा है, मतलब पर्सन को कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। लेकिन यदि वो अपोजिट एयर में जा रहा है, इसकी कंप्लेन लेके आया है लेकिन अपोजिट कान में जा रहा है, मतलब पर्सन को क्या है? सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। तो कैसे पता लगा कि अपन नॉर्मली क्या होता है, ये डिसीज कान में ही क्यों लेटरलाइज हुआ कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में? ये इसलिए लेटरलाइज हुआ क्योंकि यहां पर अगर अपन देखें, मान लो ये इनर ईयर है तो इनर कंडक्टिव पाथवे तो बंद है, तो लेकिन इसका इनर ईयर सेंसिटाइज हो जाता है, मोर सेंसिटाइज हो जाता है, इसीलिए इसको ज्यादा सुनाई देता है। लेकिन सेंसरी हेयरिंग न्यूरल हेयरिंग लॉस में क्या होता है, उसका इनर ईयर खराब होता है, तो अब दूसरे जो इनर ईयर होता है उसमें उसको सुनाई देता है। आगे तीसरा टेस्ट है एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट। इसमें हम बोन कंडक्शन को टेस्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ट्यूनिंग फोक को जो एक पेशेंट होता है, एक एग्जामिनर होता है, दोनों को हम जो ईयर केनाल होती है उसे ट्रिगर से बंद कर देते हैं। पेशेंट अपनी ईयर केनाल बंद करता है अपने ट्रिगर से, और एग्जामिनर खुद अपने हाथों से बंद कर देता है। इसमें क्या होता है कि हम ट्यूनिंग फोक को स्ट्राइक करते हैं और जो पेशेंट के कहाँ रख देते हैं, जो अपन मेस्टोइड पे रख देते हैं, ये ईयर है अपना, पिन्ना है, पिन्ना के पीछे जो मेस्टोइड है वहां ट्यूनिंग फोक को रख देते हैं। उसके अलावा जब पेशेंट को सुनाई देना बंद हो जाता है तो वो इशारा कर देगा और बता देगा, और फिर उस ट्यूनिंग फोक को अपन कहाँ रखेंगे, एग्जामिनर के मेस्टोइड पे रखेंगे। यदि जो पेशेंट है उसको सुनाई दे रहा कम सुनाई दे रहा है, मतलब पेशेंट को शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए सुनाई दिया, मतलब पेशेंट को यदि दोनों को बराबर ड्यूरेशन के लिए सुनाई दिया, मतलब इसको सुनाई देना बंद हो गया और एग्जामिनर को भी सुनाई देना बंद हो गया, मतलब कि दोनों के ईयर नॉर्मल है। लेकिन यदि इसको सुनाई देना बंद हो गया इस पेशेंट को, लेकिन एग्जामिनर को अभी सुनाई दे रहा है, मतलब पेशेंट ने कम देर के लिए सुना, मतलब पेशेंट का जो हेयरिंग है वो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए थी, तो इसमें क्या है, पर्सन को कौन सा हेयरिंग लॉस है? पर्सन को है सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, क्योंकि पेशेंट को कम सुनाई दे रहा है। इसमें अपन ने एयर कैनाल को ऑक्लूड कर दिया है, तो इसमें जो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में नहीं देखेंगे अपन, इसमें केवल बोन कंडक्शन को चेक करते हैं। और ये दोनों ही केस में नॉर्मल पर्सन में भी एग्जामिनर के समान आएगा हेयरिंग, और कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में भी एग्जामिनर के समान आएगा, जबकि सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में पेशेंट की हेयरिंग रिड्यूस हो जाएगी। अब है सोवेक टेस्ट। सोवेक टेस्ट में भी बिल्कुल वही टेस्ट करेंगे, उसी तरीके से किया जाता है, बस अपन जो पेशेंट के ट्रेगस और एग्जामिनर के ट्रेगस को ऑक्लूड नहीं करते हैं, दोनों खुले रहते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जो सोवेक टेस्ट होता है, तो शुरू में अगर अपन नॉर्मल पर्सन होगा तो दोनों को इक्वल सुनाई देगा, लेकिन यदि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है तो पेशेंट को ज्यादा देर तक सुनाई देगा, जबकि सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है तो पेशेंट को शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए सुनाई देगा।
आगे है बिंग्स रे। बिंग टेस्ट में अपन क्या करते हैं, बिल्कुल एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन और सॉवेक जैसा ही है, बस इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें भी बोन कंडक्शन को टेस्ट करते हैं और इसमें अपन अल्टरनेट करते हैं, अल्टरनेट ओपन और ओक्लूड दोनों कर देते हैं। तो अल्टरनेट क्लोज और ओपन किया जाता है एयर केनाल को। तो यदि कोई नॉर्मल पर्सन होता है, तो जो नॉर्मल पर्सन यदि कोई है या फिर किसी को सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, तो उसे क्या होगा, कम सुनाई देना लग जाएगा, मतलब उसे क्या लाउडर सुनाई देने लग जाएगा, क्या सुनाई देगा, लाउडर। तो नॉर्मल पर्सन और सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस वाले पर्सन को जो केनाल ओक्लूड होती है तब उसे ज्यादा सुनाई देगा। लेकिन यदि कोई पर्सन है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस वाला, तो उसे कोई भी चेंज पता नहीं लगेगा, चाहे केनाल ओपन हो चाहे केनाल ओक्लूड हो। आगे है गेलिस टेस्ट। गेलिस टेस्ट में हम क्या चेक करते हैं, इसमें भी बोन कंडक्शन को चेक करते हैं, इसमें क्या कर देते हैं, सीगल्स स्पेकुलम का यूज करते हैं। अच्छा, जब हम सीगल्स स्पेकुलम का यूज करते हैं, तो इस स्पेकुलम के द्वारा हम एयर प्रेशर बढ़ाते हैं एयर केनाल में। अब यदि ये एयर प्रेशर अपन बढ़ाते हैं, तो ये कहां जाएगा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को पुश करेगा, ये एयर ओसिकल को पुश करेंगे, ये एयर ओसिकल पुश होगी तो क्या होगा, जो हमारा लेब्रेंथाइन फ्लूइड है उसका प्रेशर बढ़ेगा, उससे क्या हो जाएगा, पर्सन अगर कोई नॉर्मल है या फिर पर्सन जिसमें सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, तो उसमें फ्लूइड का मूवमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे उसे सुनाई देना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन यदि किसी पेशेंट में जैसे ऑटोस्क्लेरोसिस, इसमें क्या हो जाती है, जो स्टेपीज की जो फुट प्लेट है वो फिक्स होती है किससे, ओवल विंडो से, तो क्या ये मूव करेगी एयर ओसिकल, नहीं करेगी। तो क्या ये फ्लूइड के मूवमेंट को कम करेगी, नहीं करेगी। तो इसमें कोई चेंज उसे नजर आएगा, नहीं, उसको इक्वल ही सुनाई देगा। जबकि नॉर्मल पर्सन और सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस वाले पेशेंट को क्या सुनाई दे रहा था, कम सुनाई दे रहा था। तो पहले अपन ऑटोस्क्लेरोसिस के डायग्नोसिस ऐसे ही बनाते थे, किस टेस्ट द्वारा, गेलिस टेस्ट द्वारा। तो ये हमने कंप्लीट करे डिफरेंट तरह के ट्यूनिंग फोक टेस्ट, जैसे रेनिस टेस्ट, बेवर टेस्ट, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट, सॉवेक टेस्ट, विंग टेस्ट और गेलिस टेस्ट। थैंक यू।